output is the algebra. That series, no? Yeah. One. So if you are putting 7, it will be this is 1, this is 2, 3, 4, 5, 6, 7 will be 90. Right? Whatever the n is, that number of that digit, like that nth number will be. Like if it put 1, you have to put 1, print 1. आराम से लिखो कोई दिक्कत नहीं। भैया मतलब समझ में आया है कि क्या करेंगे वहाँ पर सिंटेक्स लगी हुई नहीं शब्द लिखते मैंने बताया एक चीज पहले जब मैंने बताया था ना मैंने कुछ क्लासेस ली थी मैंने बताया कि मुझे सबसे समझ में आना चाहिए अगर तुम्हारी लैंग्वेज भी अलग हो रही है ना कॉपी में लिख रहे हो ना कोई दिक्कत नहीं है पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे ऐसे लिख सकती कोई दिक्कत नहीं पूरा फ्री स्टाइल कोई दिक्कत नहीं है बस मुझे समझाना है इंस्ट्रक्शन भी लिख सकती कोई दिक्कत नहीं
अगर यूजर ने डाल दे 3 तो 10 पे होना चाहिए, तो अगर यूजर ने डाल दे यहाँ पे 3 तो पहले यहाँ पे चेक करेगा x का 3 मतलब 5 इक्वल इक्वल यूजर का 5, अगर वो इक्वल है तो रिटर्न कर देगा, यूजर देगा ना 3। मुझे ये भी करना है ना, पूरा बटन ही प्रिंट करना है, यूजर अगर 5 देता है तो 5 का इंडेक्स प्रिंट कराना है, कौन से इंडेक्स पे ये वैल्यू अगर मान लो एंड डाला यूजर ने, यूजर ने एंड डाला इंडेक्स देगा तो एंड कर रहा है, दिस इज नॉट लिस्ट दिस इज सीरीज। हां मतलब दिस इज सीरीज, बट अगर मैंने मैंने इंडेक्स तो 0 बन गया है ना यार, क्या है मैंने देखो क्रिएट किया तो प्रिंट में तो अगर एंड डाला 7 तो तुम्हें प्रिंट कराना है 19। हां ठीक है, एंड डाला 3 तुम्हें प्रिंट कराना है 7, एक ही प्रिंट कराना है, पूरा सीरीज ही प्रिंट कराना है, इस सीरीज की एनएट टेम्पलेट कराने है, सीरीज तो है ये, मैंने तो एनएट टेम्पलेट कराने को बोला, मैंने फिर सीरीज प्रिंट कराने को नहीं बोला, हां हम तो पूरी सीरीज प्रिंट कर रहे हैं, बता रहा हूं आपको, बता रहा हूं सीरीज में जो लास्ट नंबर वो प्रिंट करवाना जो है मतलब उसमें पूछेगा यूजर लास्ट नंबर, थर्ड नंबर पूछा तो थर्ड नंबर प्रिंट कराना है, फोर्थ नंबर पूछा तो फोर्थ नंबर प्रिंट कराना है, सीरीज का नंबर बोलेगा कि वो आठ नंबर बताओ तो आठ नंबर प्रिंट करना है। भैया मैंने मतलब प्लस करवा दिया 3 मतलब 3 इसमें गलतियाँ हैं बहुत सारी बच्चे क्या यहाँ पे बेस ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, यहाँ से यहाँ पे जो किसी को लगेगा ना ये मेरे काम चलिए भी दीजिए इसको छोड़ देंगे ये क्या करते हैं ये क्या कि चलिए भी दीजिए मान लेता हूँ ये भी ले लिया ये क्या है वो लिस्ट ये जो आपने दी है ना इक्वल हो गया, पहले वो चेक करेगा मतलब अगर आपने 3 अगर आपने रिटर्न करा रिटर्न एन रिटर्न एन करेगा आंसर लिखने के लिए आ गई खुद से बहुत बड़ी बात है देखो मैंने अगर 3 दिया तो यूजर का प्रिंट करके बताओ यूजर ने 3 दिया यूजर ने 3 दिया तो मैं क्या प्रिंट करूंगा सर लिस्ट का सोचना है ना ये लिस्ट देखो ये तो सीरीज में पता है ठीक है इस सीरीज में पैटर्न क्या है 3 वगैरह है सम 1 + 4 + 3 + 4 + 3 = 7 + 3 = 10 तुम्हें अगर यूजर बोलता है साफी टर्म प्रिंट कर दो तुम्हें क्या प्रिंट करना है साफी टर्म प्रिंट करनी है जो कि 19 है वो बोलता है नवी टर्म प्रिंट करो तो नवी टर्म प्रिंट करनी है वो तुम कैसे करोगे तुम्हें सोचना है मतलब इसका इंडेक्स प्रिंट करना है इंडेक्स तो पता है आपको उस इंडेक्स पे कौन सी टर्म है कौन सी टर्म ये है तो एपी ना एपी को पता है ना एपी क्या होती है एपी एन टर्म प्रिंट करनी है एन दे रहा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चलो आगे तुम देख लो
फिर क्या गलती पहले वो देखिए, अगर तुम गलती अगर तुम वो लोग आ गए तुम्हारे, हालांकि इसका भी बहुत अच्छा नहीं, बहुत अफवाह सा रही है इसको, ये काम करना है, ये कर दिया रिटर्न, ये ओ नो मैंने तो भैया मैंने ऐसा देखा था, रिकर्शन करना है कि उसमें बेस केस डाल देंगे, ठीक है रिकर्शन मतलब बेस केस वो इसका और फिर उसके बाद उसमें दो से प्लस करते जाऊंगी सेम आंसर जो मैंने जो इस पर दे रखा है अपन ने इस पर दे रखा है, देखो इतना सा छोटा सा सॉल्यूशन है, इसमें तो पैटर्न प्रिंट करना था, नहीं पैटर्न नहीं प्रिंट करना, वो तुम्हें पता लगा ही नहीं पैटर्न प्रिंट करना, तुम चला कर देखना, चला कर दिखाऊंगा तुमको मैं, सेम सेम ऐसा लिखा है, सेम किसने लिखा है, मैंने नहीं किया, भैया तो भैया ने ऐसा कर दिया, n माइनस 1 किया और यहां पे प्लस कर दिया, तो फिर ये ड्रैगन नहीं आया, सेम लिखा है चलो एक काम करते हैं, बैठो 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 अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ किसमें, पाइथन उसमें किस पे चला था तुम लोग, ये कहाँ पर पढ़ा वीडियो स्टूडियो, ऑनलाइन नहीं इसमें भी होगा ना कहीं, अच्छा ऑनलाइन, हाँ विजुअल स्टूडियो नहीं है वो विजुअलाइजर है, ऑनलाइन हाँ लाइव ये ना सही लाइव में क्या होता है लाइव वहाँ पर जैसे डाली वो दिखाते हैं, हाँ तो इसमें भी किसको इसको तो ज़्यादा प्रदर्शन हो, चल ठीक है, ये ना अब मैं नीचे का प्रिंट कर रहा हूँ, यूज़र से ले रहा हूँ ना नंबर, तो कहाँ जाऊँगा उसके लिए मैं, फंक्शन के नीचे कॉल करना होगा यार, हाँ ठीक है, और प्रिंट पैटर्न एक यूजर डालूंगा ना, यूजर ठीक है, ठीक है, अब एक चीज देखना, ये हो गया, मैं ट्राई करता हूँ रन करना इसको, क्या हो गया हो रहा है ना, ये क्या लगता है, पाँच चार
देख लिया will be told. Whosoever is saying it will be told, it will print it only 19. ठीक है अब बताता हूँ यही भारत का सुधार का यही हुआ था मैं अलग सीरीज प्रिंट करो और इसमें 99 प्रिंट हो रहा था उल्टा हो रहा चलो उसके अंदर कुछ ना अपने अब सुनना ध्यान सुनना क्या हो रहा है पूरी ध्यान सुनना मैंने तुम्हें बताया था ना रिकर्शन में क्या होता है अभी तुम्हारा क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन ये था कि सीरीज है ये वाली क्या सीरीज है ये वाली मुझे रिकर्शन में एक सिंपल चीज पता है क्या पता है सबसे पहले लिखता हूँ फंक्शन सुनिए मुझे काम क्या करना है मुझे क्या करना मुझे एन एन टर्म लेके आनी तो मैं बोलता हूँ ए पी मान लो मैंने फंक्शन लिखा ए पी और सब बातें क्या लिखा उसके एन एट ए पी एन एट ठीक है इसके अंदर डाला ना आर्गुमेंट नंबर नंबर अब इसके अंदर नीचे जब मैं गया तो मैंने बेस केस को छोड़ दिया बेस केस लिखूंगा बाद में ठीक है बेस केस कमेंट आगे छोड़ दिया बेस केस कमेंट आगे छोड़ दिया नीचे गया मुझे सेम फंक्शन को कॉल करना है किसको कॉल करना है एपी नंबर एपी एन एफ को कॉल करना है और एपी एन एफ मुझे क्या ला कर देगा जिस जो एन माइनस वन का आंसर है ना वो ला कर देगा मतलब अगर मैं एपी नंबर माइनस वन करूंगा तो यहां तक का मतलब एन माइनस वन एक नंबर ला कर देगा अगर मुझे फिफ्थ सिक्स निकालना है 13 मुझे ला कर दे रहा है कौन ला कर दे रहा है 13 रिकर्शन ला कर दे रहा है ये रिकर्शन ला कर दे रहा है एपी एन एफ ठीक है इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा तो मेरा आंसर आ गया तो ये मेरा आंसर है मेरा आंसर है अब इस आंसर को रिटर्न करना है बस रिटर्न आंसर अब तुम चाहो डायरेक्ट डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हो इसको डायरेक्टली डायरेक्टली इसको रिटर्न कर दो बट एक्चुअली मैं आंसर मैंने क्या बनाया मैंने आंसर बनाया कैसे 3 ऐड किया किसमें एन माइनस वन वाले में एन माइनस वन अगर एन एन क्या है 1 2 3 4 5 6 इफ एन इज इक्वल टू 6 दिस इज एन माइनस वन दिस इज एन माइनस वन If n is equal to 6, this is 1, this is 2, 3, 4, 5, 6. Huh? क्या करूँ मैं वो खाना है 6, ठीक है This is 5, fifth term है नहीं तो मुझे 6th term को 5th term के अंदर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा 5th term plus? Minus 1 Plus 3 Plus 3 हाँ, तो 5th term क्या है Same function था, क्या function है AP and अरे कोई बात नहीं है फर्क नहीं पड़ता मुझे सीखना इंपॉर्टेंट है मैं खराब भी जाएगा मुझे नहीं फर्क पड़ेगा मुझे फर्क है तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ये क्या देगा मुझे n माइनस वन के टर्म में मुझे मिल गया मेरा आंसर क्या मिल गया मुझे जो मुझे अभी चाहिए तो इसी को टर्न करूंगा ना मैं और बेस अब ये टर्न हो रहा है और ये फंक्शन क्या है एपीएनएच इसमें क्या कर रहा हूं मैं नंबर डेफ बेस कंडीशन क्या है अगर एन एथ नंबर की वैल्यू कितनी हो जाए रिटर्न क्या कर देगा रिटर्न कर देगा ये समझ में आ गया ना ये समझ में आना जरूरी है कि मैं ये रिटर्न क्यों कर रहा हूं इसलिए मैं इसको आंसर में डालता हूं पहले देख मैंने आंसर में डाला है पहले मैं करता हूं मैं ऐसे नहीं लिखता कभी मैं ऐसे कभी नहीं लिखता मैं बोलता हूं अच्छा मेरा आंसर क्या है फिर रिटर्न करता हूं मैं आंसर इसमें कंडीशन क्या है कि अगर हम लोग तो रिटर्न को वो आके वन में आके स्टॉप हो रहा और हम लोग को पता है कि अगर फंक्शन को एक बार रिटर्न वैल्यू मिल जाएगी तो वो बाहर निकल जाएगा तो ऐसे करके अगर वो कॉल होते 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 अगर वन हो जाता है तो फिर कॉल होगा नंबर इक्वल इक्वल टू वन हो गया तो रिटर्न वैल्यू उसको वन मिल गई तो उसको ब्रेक हो जाना चाहिए नहीं होता क्यों नहीं होता है क्योंकि वो जो वन वैल्यू है वो किसी और रिटर्न फंक्शन की वैल्यू वो किसी और देखो अब क्या हो रहा है इसको पूरा अच्छे से विजुलाइज करते हैं पहले तो समझ में आ गया ठीक है अब इसका सबसे अच्छा विजुलाइजेशन ऐसा होगा कि तुम ये नोटिस करो ये स्टैक से होगा कंप्यूटर में एक चीज होती है इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल स्टैक फंक्शन कॉल स्टैक लिटरली एक जगह होती है जगह जिसमें ऐसे फंक्शन को स्टैक पर रखते हैं स्टैक क्या होता है स्टैक किसको बताया क्या होता है स्टैक स्टैक वर्ड स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक रखा हुआ अब अगर कोई चीज एक के ऊपर रखी होगी ना ऐसे तुम कौन सी चीज स्ट्रक्चर सकते हो कौन सी चीज छू सकते हो क्या तुम ये निकाल सकते हो पिंक वाला नहीं इसी को निकाल सकते हो
इसको भी निकालने के लिए तुम्हें पहले सबको निकालना पड़ेगा तब तुम इसको निकाल पाओगे। तो इसको बोलते हैं स्टैक। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक। वो भी अपन ध्यान दे दिया स्टैक। अब एक चीज और देखना स्टैक में, अगर मेरे को बोला कि पांच का आंसर निकाल, किसका पांच का आंसर निकाल, अब अगर पर यार ये दिक्कत में क्या हो रही है अभी, मैं इस पे लिख नहीं पा रहा हूँ, इस पे लिखूं सारा It is there, but the point is that it's still, chalo, okay. You can write here, the tab put here, na? No, it's not doing. No, there is one small window. Like, bhaiya, in this pen, na, there is one ball, na, like this, there is also one ball. And if it is hided, then it will not work. No, it is working. Uh-huh. The ball is there. Ball is there. 1,000 rupees. So, why you not use it? I was not reading because sometimes I'm not comfortable to teach in this. So, new new na best way. Okay, I'll do it right now. Don't worry. The tab put here. It's not as long as. And writing on screen is not for laptop. That is not an issue for me. Yeah, doesn't matter for me. Actually, it's not. It's mine, so it doesn't matter. It's not nothing. Yeah, it's not. Huh? मेरा है तो भी खराब होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लगुरी का होगा खराब होगा तो मुझे दिक्कत है। नो भैया ऐसा कुछ नहीं है, मैं शुरू से ही रहा हूँ, नहीं फर्क पड़ता। या हैज मनी, हैज मनी, आई डोंट हैव मनी, इट्स माय, इट्स नॉट माय मनी, इट्स जस्ट दैट आई एम ऑलवेज बीन लाइक दिस। नो यार भैया, आई टेक केयर ऑफ, मेक अस अंडरस्टैंड, आई टेक केयर ऑफ थिंग्स मोर लाइक scenario is more than these things. These things are changeable, but this time is not. I have, for me, time is more important than anything else. That's why I have always got many, many scolding from my parents that he is not, doesn't understand. It's real. Yeah, because I have always been like this. But yeah, anyways, you have to focus on things. Hey, use this one. Yeah, I'm using this now. Yeah, yeah. Show me. This one. What? Which one? What? Hair belt. Hair belt, haan, karta hoon. Why? I want to say I haven't seen it. I saw yesterday. Yesterday I saw. Many girls told me, Bhaiya is using this, Bhaiya is looking good. Yeah, Bhaiya is using this. Bhaiya is using this. Bhaiya is using this. Yeah, I haven't seen it really. Kahan gaya wo kubu wala, kahan gaya? Her sister gave. क्या हालत बना रखी है ऐसे, और सब लोग ऐसे ही बोलते हैं मुझे घर में, क्या कर रखा है, क्यों हो गया ऐसा तू? यही हाँ मौसी, इधर मतलब वो जॉब कर गई है, वो लोग इधर कोई जॉब करने के लिए यहाँ आएंगे। यंगर सिस्टर थी? नहीं बड़ी हूँ मैं, छोटा हूँ घर में से, मैं लगता है घर में हम छोटा हूँ, मेरी सुनी जाती है वो। चलो एनीवेज टू टू फोकस। हाँ सो क्या कर रहे थे अभी हम, हाँ फंक्शन का नाम है एपी टैग बता रही थी, एनएथ ठीक है, एपी एनएथ नाम है फंक्शन का, इसे मैंने डाला। ठीक है, डेफ बेस कंडीशन, ऐसा होती आई नहीं आज दूंगा भैया, ऑल दिस टाइम वी विल राइट मींस नंबर मतलब आर्गुमेंट पैरामीटर इक्वल कर वन। नहीं, इसलिए मैंने बताया बोला था, मैं बेस की छोड़ दूंगा लेकर बाद में, वो जब हम ये वाली लिख देंगे ना कंडीशन, कौन सी कंडीशन, लास्ट वाली, एपी एनएथ नंबर माइनस वन, दिस बेस वैल्यू इज डिपेंड ऑन क्वेश्चन ना, आंसर इक्वल टू, हां और क्या, एक बार बता दो रिटर्न, अब एक चीज नोटिस करो, जो ये सीरीज थी, सीरीज क्या थी, 1 4 7 8 7 10 13 16, क्या इसमें n 1 से छोटा जा रहा है, n की मिनिमम वैल्यू क्या जा रही है, 1
एन मतलब टर्म एन एच टर्म इसलिए ये बेस केस ऐसा दिया है। और भैया इस एन अगर अगर मान ले यहाँ पर ऐसा होता कि ये जो टर्म होती ना ये वाली टर्म ये जीरो टर्म होती जीरो भी होता मान लो कुछ अभी तो एन इक्वल टू वन था मान लो एन एक जीरो टर्म भी बता रहे जीरो टर्म क्या है जीरो टर्म मान लो बोलता हूँ माइनस दो है तो पता क्या करते हैं यहाँ पर वह नंबर इज इक्वल टू जीरो रिटर्न माइनस टू यहाँ पे डन फोर होता नहीं इफ की कंडीशन का पूछ रही हूँ इक्वल वन लगाते क्या इक्वल इक्वल वन ये तो वन ही लगाते नंबर तो वन ही हुआ है ना नंबर ये तो एनएफ टर्म का नंबर है ना यहाँ पे वन ही होता क्योंकि देखिए तो फर्स्ट ही है ना ये तो वन ही है ये टू है ये थ्री है ये फोर है बट इसमें वैल्यू क्या है रिटर्न फोर हो रही है ये भी तो आंसर रिटर्न कर रहा है ये भी तो आंसर रिटर्न कर रहा है कि अगर एक ही टर्म हो तो इसको रन कर तूने यहाँ पे वन डाला तूने क्या कॉल किया तूने ये कॉल किया क्या कॉल किया तूने तूने कॉल किया ए थ्री एन एथ वन कॉल किया क्या आंसर आना चाहिए देखो यहाँ पर तूने ए पी एन एथ वन कॉल किया क्या आंसर आना चाहिए फोर आना चाहिए तो ड्राइंग कर इफ नंबर इज इक्वल टू वन रिटर्न फोर होना चाहिए ना तो बोला ना अगर तू यहाँ पर फोर खरीदे कुछ और खरीदे कैसे काम करेगा वन ही होगा ना यहाँ पे अगर मैं इधर एडिट करूं एडिट दिस कोड करूं यहां पर मैं अगर फोर कर दूं ठीक है और तो सीरीज अब मैं क्या पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ कौन सी टर्म यूजर इनपुट डाला मैंने सेवन ठीक है सेम तो ये एक आगे पहुंच जाएगा आउटपुट में 22 आया ना एक ऑप्शन आगे पहुंच गया मतलब उसने चालू कैसे किया उसने चालू किया 4 प्लस 3 उसने चालू किया वो काम नहीं आया खुलता नहीं है स्टार्टिंग 4 स्टार्ट कर दिया रिटर्न 4 कर दिया कंट्रोल टैब भी कर दिया कंट्रोल टैब लोगो बैक या लोकल कंट्रोल ओके रिटर्न को वेर यू वांट टू दैट नोटपैड डेड वो पैड था ना हाँ ये भी मुझे नहीं चल कोई नहीं देखता ऑफिस जल मोड़ में हाँ सो अब चालू हुआ 4 7 से कौन सी 7 टर्म बोली ना 7 टर्म होगी 4 7 13 16 19 20 1 2 3 4 5 6 7 मेरा 7 टर्म 22 आई ना अगर इसी में डालूं कंट्रोल टैब नहीं काम करता है इस पे काम ही नहीं करता एक्चुअली कंट्रोल ऑल्ट टैब अगर मैं इसी पे डाल दूं क्या वो डाल दूं कोई बात नहीं ये अपनी काम चेंजिंग भी आपने कर डाल रहा हूँ ना वन डाल रहा कैसे फ्लो हो रहा है मैं फ्लो समझाऊंगा पूरा अच्छे से लिख के एकदम मैं एक क्वेश्चन और कर लो तीन चार क्वेश्चन में इकट्ठे फ्लो कराऊंगा ना बहुत मजा आएगा हाँ बता चल तो पूछ रही थी मतलब कि ये ना
मतलब कि ये सीरीज है ठीक है, अगर इसकी जगह हम लिस्ट ले लेते ठीक है, तो वो भी मतलब उसमें भी हमको ये बताना है कि अगर यूजर ने 3 दिया तो वो कौन से नंबर पे, तो यूजर तो मतलब कि लिस्ट को चेंज कर सकता है, तो हम फिर कैसे रिटर्न लिखेंगे, अभी तो हमको पता सीरीज है तो बोलिए लिस्ट ले लो। हाँ तो फिर मतलब अगर हमने लिस्ट ले ली उसको हमने 4, 5, 6 से चला दिया, हमको पता है कि जो स्टार्टिंग है वो 4 से है, तो हमने रिटर्न वहाँ पे 4 लिख दिया, लेकिन मतलब जो यूजर है उसने लिस्ट को चेंज कर दिया, फिर हमको तो पता नहीं है, तो फिर हम रिटर्न कैसे पता चलेगा कि हमको क्या। हाँ तो देखो एक मेन चीज कर कि हम इसमें कोई भी सीरीज बना के डालने ले लिस्ट में, इवन दो ये भी एक सीरीज है, मैंने लिस्ट बनाई नहीं, कुछ भी हो वो यूजर बार बार चेंज कर देगा चीजों, मतलब कि क्वेश्चन को जो वो यूजर इनपुट दे रहा है वो बार बार चेंज कर देगा, तो हमको क्या पता रहेगा कि हमको रिटर्न क्या करना। आप सुन रहे हैं यूजर से हम क्या ले रहे हैं, एक लिस्ट ले रहे हैं। हाँ ठीक है ले रहे हैं। हाँ अब लिस्ट है, लिस्ट में हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है ठीक है, उसमें भी हमको यही बताना है कि अगर यूजर 3 डाले तो 3 नंबर का इंडेक्स प्रिंट कर दे ठीक है। अब मुझे पता है कि ये 2 से स्टार्ट हो रही है तो मैंने रिटर्न 2 कर दिया, यहाँ पे रिटर्न जो 4 लिखा है वहाँ पे मैंने रिटर्न 2 कर दिया, लेकिन फिर सडनली यूजर चेंज कर देता है उसको, हमें मतलब ये कुछ में दे रखा होगा यूजर कैन चेंज इट, हमें वही प्रिंट करना है जो नई नई चीज है। भैया क्या एक लिस्ट है, सुन ध्यान से, एक लिस्ट है वो लिस्ट यूजर चेंज भी कर रहा है, तो हमें तो क्वेश्चन में दे रखा होगा कि प्रिंट द nth इंडेक्स ऑफ द लिस्ट, मतलब हम उसको लिस्ट को देख के हमारा रिटर्न चेंज कर रहे हैं। हां हमें मतलब देखो मेरा सुनो, क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा होगा जो आप काम कह रहे हो ना, वो कभी नहीं होगा कि आप यूजर चेंज भी कर रहा है और आपने हमें पूछना है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू बताओ, या फिर कोई लिस्ट दूर रख सकते हो, उसको यूजर को पता ही नहीं होगा, यूजर एक्सेस कर सकते हैं मेरी लिस्ट को, वो लिस्ट को हम एक्सेस कर सकते हैं जो जो बना रहे हैं, समझ गए ठीक। एक क्वेश्चन और करते हैं, पता क्या आराम से मैं इकट्ठे कर रहा हूँ तुम्हें फ्लो पूरा का पूरा, और ये पूरा का पूरा ये जो फ्लो जो है वो इसका है, डोमिनोज का है ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ताकि तुम्हें समझ में आ जाए पूरा। Term. I should not use index. Yeah. Third term. Yeah. It is not index. This series we have to print. Yeah, last yeah. one. Last वाला जो है. हाँ मतलब third अगर तीन दिया and n तीन दिया तो third term print करनी है. Four दिया तो 11 print. User input लेना है. User input लेना है. ये अगर देखो मुझे तो question नहीं क्या दिख रहा है laptop बीच में. देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं और चीज़ कभी कभार हमें ना user input लेते नहीं है, हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं क्या करते हैं, क्या हो गया, हाँ ये करते हैं, जो ये यूजर इनपुट है ना ये हम इसको लिखने के बजाय इसको तो काट देते हैं और यहाँ पर हम खुद डाल देते हैं यूजर इनपुट, तो एक ही बात है क्योंकि ये स्टेटमेंट लिख के डालना है, हम खुद ही डालेंगे ना 5 या 6 क्या करना है, तो ऐसे कर लो तुम अपने मन से डाल देना। हाँ 7 या 8 मतलब ट्राई कर लो, एक तरह से यूजर इनपुट देने लग गए हम, ये करना है इसमें और 4 प्लस 2 से
After 11 there is odd even, जो दस दिवाई नहीं होता है उसमें 10+ करना है नहीं यार इन फर्स्ट थ्री 1+ ये 1+ थ्री वन इज नॉट डिविजिबल बाय टू बट इट है एट थ्री हाँ दो यहाँ तक चल आएगी उसके बाद हाँ उसके बाद क्या उसके बाद 4+ 4 8 हमेशा ध्यान रखना n को n माइनस 1 से मैप करने की कोशिश किया करो मतलब मैं 4 डाल रहा हूँ तो 3 में 3 से 4 कैसे बना सकता हूँ मैंने 4 डाला क्या है 4 24 नंबर कौन सी है 11 तो मैं 8 से 11 कैसे पहुँच रहा हूँ 8 में क्या ऐड 8 में क्या ऐड कर रहा हूँ 3 ऐड कर रहा हूँ मैंने डाला 5 क्या 5 22 22 11 से कैसे बना रहा हूँ See, in odd number, there is add, मतलब उसी number को add करते हैं। अगर 11, अगर 1 है तो 1 plus 1 क्यों हुआ फिर? Odd even नहीं है। Odd तो 4 add होगा ना। तो odd नहीं तो 3 add होगा ना। ये उसे 3 add होगा ना क्या होगा? हाँ। उसके बाद 8 plus 3, 4 plus 4। अगर even है तो उसी number को add कर रहा है ये तो clear है। हाँ हाँ और odd है तो 3 add कर रहा है। और आउटपुट कैसा आ रहा है देखना अगर तुम 7 डाल दो क्या आएगा बता वो तो पता है बस कोशिश और समझ में नहीं आई ना कैसे गेम को रन हां हां वो सही है और बड़ा करो क्या बड़ा करता और क्या बड़ा नहीं है ये नहीं है ये रेगुलर अब बड़ा करो वो यार ऑफिस एक बार 3 ऐड हो रहा और एक बार नहीं ऐड हो रहा मतलब जो है उसमें है पता नहीं
ये किसी का होता है ऐसे भी दिखा रहे कोई दिक्कत नहीं आती मुझे समझ में आ गया कि पैटर्न कैसे चल रहा है। पहले सही कर दिया इसमें समझ नहीं आ रहा बाकी ये समझ में आ गया कि क्या हो रहा है मतलब जो ऑड है ना उसमें 3 को प्लस करना है और जो इवन है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है ऑड है ना उसमें 3 को प्लस करना है 1+3 = 4 into 2 इवन है उसमें 2 को मल्टीप्लाई करना है नहीं इधर नहीं मतलब एक-एक के गैप में जैसे कि पहला वाला है उसमें 3 को प्लस करना है सेकंड वाले में 2 का मल्टीप्लाई फिर तीसरे वाले में 3 को 8 फिर 2 का मल्टीप्लाई फिर 8 फिर मल्टीप्लाई फिर 8 फिर मल्टीप्लाई मुझे ना तो क्लियर बोला अगर तू बोलती एकदम सही है तो बीच में कुछ चेंजेस कर लेती मतलब कि पहले वाले में 3 को प्लस करना है तो 4 आया 4 में पहले टर्म में में 3 को ऐड करना है तो 4 आया 4 में 2 का मल्टीप्लाई करना है तो 8 आया फिर 8 में 3 n के लिए n के लिए nth टर्म के लिए हां nth टर्म के लिए n माइनस 1 में क्या करना है अगर nth टर्म में n इवन है और nth टर्म में n ऑड है दो चीजें होगी ये तो n इवन होगा या n ऑड होगा ऑड होगा अब मेरे को nth टर्म के लिए बता n माइनस 1 की टर्म में n क्या ध्यान सुनना n माइनस 1 की टर्म्स में n nth टर्म क्या होगा मतलब 22 के लिए 11 की 11 मिलने के बाद 11 से 22 किस लेके आऊं इंटू करके 25 के लिए 22 से 25 के लिए लेके आऊं तो प्लस करके तो n जो है n से n कुछ तो n लेके आना है किससे n माइनस 1 से लेके आना तो n माइनस 1 में क्या है ऐड करूं क्या मल्टीप्लाई करूं कि n आए मेरे को उससे मतलब नहीं कि लोग n प्लस 1 पे जा रहे हैं ध्यान सुनना ये वाली चीज n माइनस मैंने हमेशा बोला है रिकर्शन हमेशा ही होगा फैक्टोरियल था तो मैंने क्या किया था मैंने कहा अच्छा n माइनस 1 में 5 n मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें पता चल जाएगा तो हमेशा n माइनस 1 को देखा करो कि n माइनस 1 में क्या ऐड करूंगा क्या मल्टीप्लाई करूं कि n n वाला जो टर्म बन जाए आंसर बन जाए आंसर मान ना तो बस ये बच्चे सोचे पर थोड़ा थोड़ा टाइम ले आराम से लिख के आप कुछ भी रैंडम लिख के दिखाओ कुछ भी रैंडम लिख के मुझे नहीं पता पढ़ तू गलत लिखे सही लिखे भैया क्वेश्चन खुला रहने दो खुले रहने वाले से मिल जाओ बस वो कैमरा लगा दे मेरे पास 7 कैंसर है 7 कैंसर में यही ऐड कर दो 7 कैंसर लगा दे सकते हैं कंप्यूटर बता रहा हूँ फंक्शन को दो बार कॉल कर सकते कि नहीं हाँ यार सिंटेक्स नहीं
नहीं पड़ता सिंटैक्स में पड़ता सिंटैक्स ऐसे पहले लिखा था सिंटैक्स नहीं कंडीशन नहीं समझ में आ रही कंडीशन हां अंकल ये सब बोल रही है वो लोग वही बोल रहे हैं कि वो बहुत ही बढ़िया दुबा एंड शॉकड हां बड़ी बार मैंने ऐसे ही वो बुला कर दिया क्लास में मैं बहुत खुश हूं बहुत अच्छे बहुत अच्छे देखा था ना मैंने वह खुद से किया भैया फंक्शन को दो बार कॉल कर जैसे कि ये जो लिखते हैं ना स्मॉल हम जैसे कि पैटर्न एन माइनस वन इस वाला तो इसको मतलब कि एक बार और कॉल कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं अरे वाह देखो दूसरे ने कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि अरे मेरे से नहीं हुआ मत करना कभी क्योंकि मैं क्लास से एंड किया करता था क्वेश्चन को मैं पहले मैं भी जल्दी करता था वाली क्या करता था बहुत ज्यादा सिंपल करके बैठा था यार सबने कर लिया यार इससे भी हो गया अरे तुम्हारा आंसर खुद को निकालना है मुझे टेंशन मत लो और नए तरीके से करो कोई दिक्कत नहीं है नए तरीके से करो कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग कितने लोग थे तुम्हारे जो जो तुमने पढ़ाया था तो मैं नहीं थी भैया बताया मैं भी नहीं थी भैया अच्छा था अरे मैं तो नहीं था मेरे को बोला इसलिए पूछ रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत यार गलत किया गया उल्टा लिखा है बस और कुछ नहीं किया ड्राइवर करी पर तीन किलो निकाली आंसर क्या होगा तीन किलो आंसर निकाली देख तीन किलो इसमें घुसेगा नहीं तीन दूसरे वाले दूसरे नहीं है ठीक है इसमें घुसेगा बोलेगा कि मैं ऐड करता हूँ किसमें दो वाले में दो क्या है चार प्लस तीन सात उल्टा कर ये आवाज कहाँ से आती है? ये तो यहीं से निकल आ रही है आपके लैपटॉप में नई चीज निकल देती है लैपटॉप ये अलग ही निकल देती है लैपटॉप भी आवाज करता है भैया वो भी म्यूजिक सीख रहा है वो भी रेंडर रेंडर आवाज निकाल देते हैं बड़े बड़े खाना खाते खाते अब तो ठीक है ना भैया नीचे वो और ऊपर वो चलो थोड़ा सा इतना तो दिमाग रहे पहली बार मैंने एक और जन को पहला क्वेश्चन करा तूने पहले भी डायरन करे ना इसलिए मैंने तो नहीं भैया देख लो ना आप
अभी मैं
एक बार लिख लेते हैं तेरा बॉट कर रहा है बॉट सब कुछ कर रहा है यार मैंने अपने प्रोग्राम को रन करना नहीं चाहती मैं बिल्कुल लगा के अच्छा वो डिस्टर्ब कर रहा है बीच में अच्छा ये वो हेट का टाइटल को हेट आ रहा है भैया क्यों दिस अब तुम्हारा अब रोबोट तो मत रोबोट डाल यार तुम्हारे कोड में भैया का आते यार अच्छा सीरीज क्या थी ना सीरीज तो कुछ कर 1 4 8 11 22 25 5 3 1 1 0 6 1 0 6 अरे मेरे प्रोग्राम को अपने आप चला रहा जबकि मैं रन ही नहीं कर रही हां भैया मैं उधर भी कर दूंगा यहां पे पूरा लिख लिया आपने हां कॉपी पेस्ट कर रहा भैया मैं तो मेल बेकार हो जाएगा हां यार वो अच्छी है गए गए पूरा कोड नहीं कॉपी पेस्ट किया नहीं किया मैंने यार लैपटॉप में कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल सी जी और जेड जेड जी 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 कंट्रोल यू
कंट्रोल जी का कंट्रोल जी नहीं आ रहा एक बार हिस्ट्री दिख रहा है हिस्ट्री मेरी गलती है मेरी गलती है मैं बहुत बड़ी गलती है मैं बहुत बेवकूफ हूँ रवि ना मांग के लैपटॉप में ये तो इतना छोटा सा कीबोर्ड समझ नहीं आ रहा है ना मैं ठीक कर लूँगा यार अब जो किया है तो नहीं आ रहा सच बोल रहा हूँ मैं ठीक कर अबे वो इस मिस पे कर दे कर लैपटॉप बड़ी कर हो जाएगा वहां से है ना लैपटॉप ज्यादा अच्छा होता है वो देखो प्रैक्टिस में रखे ना चल ठीक है मैं अब मैं काम कर रहा हूं एनी कलर थ्री कॉल हुआ उससे पहले क्या आएगा हम दिख रहा ठीक है डेफ और सीरीज तीन के लिए कॉल ठीक है क्या एंड वन की क्या हे भगवान थ्री कॉल वन है भाई मच्छे का कपड़ा दिए ऑरेंज वाला तेरे पीछे पड़ा है
दिस हां एक बार फिर से देखते हैं नहीं 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 अब ध्यान से फिर ना एकदम क्लियर बताओ मैं इसको ड्राइव करना चाह रहा हूं रिकर्शन को ड्राइव कैसे करते हैं ठीक है मैं किसके लिए कर रहा हूं ड्राइव फोर के लिए कर रहा हूं ठीक है तो अब डी ई एफ में मैं अब मैंने सीरीज ऑफ फोर एस ई आर आई एस में डाला फोर अब इसके लिए पता नहीं मुझे ये स्टैक करना है स्टैक क्या करता है रख लेता है इसमें बस किताब आती है काम करने की पहले साइंस पढ़ी फिर मैथ पढ़ी फिर केमिस्ट्री पढ़ी ऐसे जी क्या बेस स्टैक चला गया इसका नाम क्या है सीरीज फोर इसकी वैल्यू इसको देंगे अब क्या ये वन के इक्वल है क्या एन क्या फोर वन के इक्वल है नहीं तो क्या हो जाएगा नीचे जाएगा क्या फोर डिविजिबल बाय टू है तो अब स्मॉल आंसर ही बनता है स्मॉल आंसर क्या है वापिस यही कॉल होगा एक्स ऑफ एन माइनस वन एन माइनस वन मतलब थ्री थ्री प्लस थ्री अब ये पता ही नहीं है तो प्लस थ्री भी जाएगा ये ऑलरेडी पर यही रुक जाएगा प्लस थ्री नहीं आएगा ये पर रुक गया क्योंकि इसकी वजह से निकाल कर जाता है तो प्लस थ्री करेगा ना इसमें तो हाउ टू रन इट बेटर लास्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम रुक रहा हूँ ये लिखते ही कंप्यूटर बोला कर जाता है डन ऊपर जो रन कर रहा है अच्छा अरे पता ही नहीं है तो इसको निकालने लग जाए थोड़ा देखता हूँ क्या ऑप्शन थ्री क्या वन की इक्वल है नहीं है अच्छा कोई बात नहीं एल एल अच्छा मतलब प्लस ना करते हो वापस यहां पे पहले पहले हां इसी नहीं ये फंक्शन का अर्थ है क्या ये तो है कोड फंक्शन का इस कोड को रन करना मानो हां ये रन करो पहले मैं दिखा रहा हूं कैसे कैसे फिर यहां पे लिखा है यहां पे लिखा है सीरीज ऑफ 3 दिस इज पाइथन 2 ना देखो तो 3 से कोड को ये 3 डालो भाई 2.7 भाई हर वैल्यू हाँ, प्रेस कर रहा है पाइथन को 3 के अंदर प्रेस कर रहा है इसी को हाउ टू रन ना और जब ये इक्वल वैल्यू है तब ज्यादा वो तब ज्यादा वो वन के लिए वन वैल्यू से कर देगा मतलब वो वाचिंग में वाचिंग को जान सुन देखो मैंने चालू किया फिर से जा रहा धीरे धीरे देखो फॉरवर्ड ना क्लोज करो पर देखो रवि ना एक तुम भी समझ लो यार ये एरर क्लोज है कहां पे वहां सब मिल रहा है क्लोज करो हां अब सब वो करो क्या अब राइट करूं हां बड़ा ना समझ डालती हूँ करती हूँ भगवान है रोमन तो है ना लास्ट ये जो डायरेक्ट यहाँ पे ना ये डालने की जरूरत नहीं है नंबर यार फंक्शन को जो आगे को डाल रहा वो करूँगी ना नंबर में मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया यूजर इनपुट तो यूजर इनपुट है हां तो यूजर इनपुट देना है हमको तो ऑड इवन हमको यूजर इनपुट देना है ना 1 2 3 यूजर इनपुट तो ले लेंगे तो यूजर इनपुट कैसे लेगा वो अरे तो दो आर्गुमेंट डालने थे ना दो नंबर पर दो आर्गुमेंट भी डाल देना यूजर अच्छा वो एरर था आर्गुमेंट वाला अभी समझ ठीक है चलो तो करना दो मैं अभी जो सिखा रहा हूं वो ये सिखा रहा हूं कि रिकर्शन को ड्राइव कैसे करते हैं व्हाइल लूप में डायरेक्ट करना आता है व्हाइल लूप वाले को फंक्शन वाले को आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं रिकर्शन को डायरेक्ट करते हैं फिर से ये कोड निकाला अलग से ये कोड सब क्लियर हो गया है सबने लिख दिया था कोड अब अगर वापस कर रहा हूं एकदम शुरू से ना और एक बार देख लो मुझे दिख जाए ना ऑटोमेटिकली समझ आएगा क्या हो रहा है एक बार ध्यान दो मैं सीरीज ऑफ एन को एस ऑफ एन लिख बता दी छोटा करने में आसानी हो वेनू तेरा ध्यान ना दे एक्सपेरिमेंट तो नहीं और ख्याल नहीं एस ऑफ मतलब एस ऑफ फोर ठीक है क्या अब इसमें ये कॉल हुआ कंप्यूटर में अच्छा तो कॉल सही है बोलेगा अच्छा किफ फोर इक्वल टू
क्या बात सही है इसे कर एलिट फोर इज डिवाइड बाय टू सही बात है है ना ट्रू है घुस जाएगा स्मॉल एंटर बनाएगा कंटेनर उसमें डालेगा सर्वर एरर यू कोड उसमें घुस गया एस ऑफ टू के लिए और एक टू पता ही नहीं मुझे जब ये बोलता है पता नहीं घर अपना स्टैक पे ऑलरेडी ये पड़ा है इसकी वैल्यू क्या थी एस ऑफ फोर इसकी वैल्यू नहीं है तो बोल रहा है इसको स्टैक पे देता हूँ बाद में जब आई होता हूँ पहली टर्म क्या चार इक्वल इक्वल है एक के क्योंकि चार है नहीं है अच्छा दूसरी स्टेटमेंट अच्छा अगर ये नहीं है तो क्या चार डिविजिबल बाय टू है हाँ है अच्छा है तो एक काम करो स्मॉल आंसर बनाओ यहाँ पर स्मॉल आंसर बनाया स्मॉल आंसर में डाली वैल्यू एस ऑफ थ्री अच्छा तो पता ही नहीं तो एस ऑफ थ्री पता ही नहीं तो एस ऑफ थ्री में निकालने लग जाएगा और एस ऑफ फोर कर देगा स्टैक पे एस ऑफ फोर कर दिया स्टैक पे द सर्वर मे आल्सो एस ऑफ थ्री निकालने में लग गया एस ऑफ थ्री निकाला तो क्या घुसा एस ऑफ थ्री वापस कोड देगा क्या तीन इक्वल है वन के क्या तीन डिविजिबल है टू से नहीं है क्या तीन डिविजिबल है फिर एल्स आ गया उसमें क्या था ये भी नहीं ये भी नहीं तो फिर एल्स ऑड ओवर है तीन ऑड है एक और स्मॉल आंसर बनाया स्मॉल आंसर क्या लगा एस ऑफ टू प्लस प्लस हो जाएगा नहीं एस ऑफ टू पता ही नहीं है स्टैक पे चला गया क्या स्टैक पे चला गया एस ऑफ फोर गया था एस ऑफ थ्री स्टैक पे गया था अब एस ऑफ टू एक और नया आ गया स्टैक पे एस ऑफ फोर आया एस ऑफ थ्री आया एस ऑफ टू एक और नया स्टैक पे आ गया एस ऑफ फोर एस ऑफ थ्री एस ऑफ टू ऐसा टू की वैल्यू निकालने के लिए वापस घुसेगा क्या टू इक्वल है वन के टू इक्वल है वन के नहीं है क्या टू इज डिविजिबल है टू से हाँ डिविजिबल है तो क्या होगा इसके अंदर अभी स्मॉल बनेगा स्मॉल आउटपुट स्मॉल आंसर और इसमें कॉल होगा एस वन एस वन की वैल्यू जैसे एस वन कॉल होगा एक सेकेंड एस वन कॉल होगा एस वन स्टैक पे आएगा एस वन में घुसेगा तो वन इक्वल टू वन हो जाएगा S1 की वैल्यू क्या रिटर्न होगी? 1 रिटर्न हो रही है? फिर वो प्लस करके आएगा कि नहीं तो इस जगह किस जगह वैल्यू क्या आई 1 आ गई 1 अभी तो यहां पे S3 था S1 के साथ तो करते आए ना करते गए ना भैया एक बार देखो करते क्या होगा किसने पूछा नहीं बताई नहीं ये बताई नहीं बार बार ऐसा करके आया एक बार सुनना पर वीडियो देखो सुनना है 1 आते ही 1 में क्या ऐड कर दिया इसने 2 मल्टीप्लाई कर दिया 1 में इसने 2 मल्टीप्लाई कर दिया क्या 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है 1 ऑड है इसलिए यहां पे 1 नहीं यहां पे 2 आएगा नहीं 2 डिविजिबल 2 * 2 4 नहीं ये बात प्लस और ये होगा यार ये ऑड है ये ऑड 2 इवन है ना प्लस 3 होगा 3 ऐड कर दिया 1 में 3 ऐड कर दिया क्या हो गया 4 हो गया स्मॉल आंसर के लिए 4 हो गई अब ये कहां आउटपुट हुआ ये रिटर्न हुआ इसकी वैल्यू के लिए रिटर्न स्मॉल आंसर कहाँ हो रहा है ये एस ऑफ टू के लिए हो रहा है एस ऑफ टू की वैल्यू हो गई 4 एस ऑफ टू की वैल्यू हो गई 4 अब ये एस ऑफ टू कहाँ गया एस ऑफ थ्री के अंदर जो मैंने एस ऑफ टू निकाला था 4 प्लस ये कहाँ ये क्या हो रहा है और नहीं वाला तो 4 इंटू हो रहा है इंटू 2 हो रहा है मतलब 8 हो गई एस ऑफ थ्री की वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई अब 8 में ये कहाँ जा रहा था ये इवन में आया था यहाँ पे प्लस 3 हो रहा है तो ये एस ऑफ 4 की वैल्यू क्या हो गई 11 हो गई लास्ट ना
जब हम रिवर्जन का क्वेश्चन रोज सॉल्व करते हैं सारा क्लियर हो जाएगा रिवर्जन में हाँ टेन आ रहा है ना एक छोटा आ रहा है ना तू क्या गलती कर रही है ना तू तेरा ऐसे फ्लो कर रहा है तेरा जब पॉइंट जब तेरे को ऐड करना है तेरा वो हो रहा है इसके अंदर तू क्या ऐड कर रहा है वो थ्री ऐड कर रहा है नहीं सॉरी इसमें टू मल्टीप्लाई कर रहा है ये क्या हो गया टू हो गया इसमें फोर ऐड कर रहा है क्या हुआ ये सॉरी टू मल्टीप्लाई कर रहा है हाँ थ्री ऐड कर रहा है क्या हुआ फाइव टू मल्टीप्लाई कर रहा है तो कुछ सोच तो इतनी सीरीज ही बन गई तेरी सबसे क्या बन गई है 1 2 3 10 30 तो सोच काम करती कर रही है बहुत ऑसम तेरा सॉल्यूशन है ये तो कुछ अलग ही अपना दिमाग लगा के सॉल्व किया मैं बहुत खुश हूं देख के बट तू कोई छोटी सी गलती करती है जिस कारण तेरा ये हो रहा है यहां पर ऐड होना चाहिए तो इसको उल्टा कर देना नहीं पता काम हो जाए उल्टा कर देना इसको यहां तो फिर मैंने उसके बाद वो छोड़ के मैथ्स थोड़ी बहुत पढ़ाई थी पढ़ाते हुए जैसे ऐसे पढ़ाते हुए बहुत कम टाइम हुआ मैंने ऐसे नहीं पढ़ाया फिर मुझे चैलेंज होता है बैठता हूँ पहले सोचता हूँ खुद करता हूँ बट ऐसे टीचर में ना शुरू से मैं ज्ञान दिया करता था कि ज्ञान मतलब वो अलग कैसे चलना है अच्छे लोगों के साथ बैठना किस टाइप को पढ़ाने की बात कर रहे हो बचपन से टीचर हुआ सबसे पहले कोडिंग ढाई तीन साल में कोडिंग मैंने कॉलेज के लास्ट ईयर में शुरुआत समझ में आई थी मुझे और तब भी हवा लग गया जाने की कोडिंग से फिर बाद में वही आ रहा दोनों चेंज करने के बावजूद भी माइनस फोर के डाले मैंने माइनस फोर नहीं वो ये यहाँ पे डाले उल्टा बढ़ गया तुम दोनों को हाँ नंबर और वो थ्री मुझे ऐसा लगता है प्लस फोर थ्री मैं कोर में आता कोई चीज आता ना कोर में आता अभी मैंने कोडिंग क्यों पकड़ी क्योंकि कोडिंग इज द फ्यूचर डॉक्टर बनेगा ये बनेगा अब मुझे नाम में आता है ये करना ही था मुझे मन था कि मैं एकदम शांत रहूं अपने घर में देखो इसमें मैं क्या कर रही हूँ सबसे पहले नम एक वेरिएबल ले रही हूँ ताकि वहां पे ना क्या हो रहा क्वेश्चन का है ये वाला ना यहाँ पे देखी थी यहाँ पे क्या हो रहा है एक बार थ्री प्लस हो रहा है एक बार ये नंबर प्लस हो रहा है एक बार थ्री प्लस हो रहा है एक बार ये नंबर प्लस हो रहा है एक बार थ्री प्लस हो रहा है एक बार ये नंबर प्लस हो रहा है ऐसा हो रहा तो मुझे यहाँ से समझ में आ गया कि ये दो कंडीशन लगेगा एक बार थ्री प्लस करूंगी एक बार नंबर को प्लस करूंगी ना ये बहुत बड़ी चीज है नंबर प्लस करूंगी हाँ और एक बार हाँ और वो रिटर्न वाला तो लगेगा यानी तीन कंडीशन लगेगा इससे पता चला तो फिर मैं क्या करी तब यहाँ पे कंडीशन लगा दी अगर इक्वल वन हुआ तो रिटर्न वन करो ये तो समझ में आ गया ना तो यहाँ पे एक मैं एक और वेरिएबल ले ली मुझे ये समझ में नहीं आया था कि मैं कब नंबर करूंगी और कब वन करूंगी और मुझे सबसे पहले वहाँ पे क्या थ्री प्लस हो रहा है उसके बाद वन हो रहा है तो एक बार अगर थ्री प्लस करें तो वो हो जाएगा वन तो यहाँ पे
हाँ तब मैं यहाँ पे एक और एक आर्ग्यूमेंट ले ली नम की तरह कि अगर नम इक्वल इक्वल टू वन है, मैं सबसे पहले वन ले रही हूँ, इक्वल इक्वल टू है वन है तो नम की वैल्यू चेंज कर दी, अब जीरो कर दी ताकि मैं दूसरे बार नंबर को ऐड कर सकूँ, मतलब यहाँ पे नंबर उल्टा होते इसको नंबर यहाँ पे करना था, कर लो भैया अभी क्या क्या नंबर को यहाँ पे डालो, फोर को यहाँ पे डालो, यहाँ फोर के डाला तुमने एडिट कर लो, हाँ क्या करना है वन नंबर डालना है, क्लिक दे, हाँ क्लिक दे ना फोर के सामने क्लिक करो, ऐसे क्लिक देखिए फोर तो ऐसे फोर रन करने के लिए डाला था फोर, अच्छा ठीक है नंबर और यहाँ पे फोर डालना है, अब ये फोर का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब नम इक्वल टू जीरो कर दी ताकि मैं दूसरी बार नंबर को ऐड कर सकूं, तो फोर ऐड कर रही है यहाँ पे, हाँ फोर क्यों ऐड कर रही है यार, मुझे क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ पहले तीन ऐड करना है, सबका सबके लिए काम कर रहा है तेरा, इनिक्वल टू सबके लिए काम कर रहा है, चेक कर ट्राई करते हैं, हाँ बेटा मुझे नहीं लगता कि सबके लिए काम कर रहा है, देख मुझे करने दे आराम से, इसने जो ये काम किया ना दो बजे बल्ले कर, दो बजे बल्ले करते ये बहुत अलग चीज निकल लेगी, निकल लेगी सॉल्यूशन, बट ये क्या देख या तो कोई ऑड है इवन है, दो चीजें सही है ना, देखो इवन है ऑड, दूसरा देख लो इवन ऑड वो भी कर सकते हैं ना, इवन ऑड वो भी सकता है ना, कोई वेरिएबल बूल इवन ऑड बूल की जीरो है वन है, जीरो है वन है तो एक बूल ले लिया इसने, तो मेरे एक्चुअली पता क्या है, मैं बहुत सब मुझे था फॉरवर्ड किया तो एक ही पता है मेरे को यूजर इनपुट नहीं दे रहा इसीलिए फाइल डाल दो उसमें मैं एडिट वाला चाहिए आ जाना जाना लास्ट शायद कुछ और नहीं पता था नीचे का भी नंबर तू बड़े इनपुट कर दो नंबर ऐड करे तू टू इनटू टू मल्टीप्लाई कर उसको नंबर ऐड मत कर क्या करो चलो आज हम खत्म करते हैं यहाँ पर, सुनो कल फिर काउंटर अप करेंगे यहाँ पे, ठीक है छोड़ो आज, और जितने लोग आ जाए उतने आ जाए कोई दिक्कत नहीं, कवर लेता हूँ भाई तेरे भैया दिस इज क्लास टाइम वेडनेसडे 5 o'clock हॉलिडे, वो तो मैंने बोला नहीं किचन लगा दी, वो तो मैंने बोला कि तुम्हारी क्लास हो सकती है, हां हमारी क्लास 4 2 3 2 3 2 4 में सकती है, हां वे कैन डू, तो हम आए हैं वैसे भी उस टाइम थॉट बॉक्स में होगा, अब मैं क्या बोलूं एग्जाम क्या करो या मैं यार वो रोबोट गाइडेड गाइडेंस अच्छी करता है ना, मुझे बहुत हेल्प करता है, आपको भी हेल्प करता है, नैनो डेट्रेस में पढ़ा रहा हूँ उसी कारण पढ़ा पा रहा हूँ ना, मतलब हालांकि मैंने बोला था कि कभी यहाँ पे कुछ कराना चाहिए हम लोगों को, बट उसने मुझे हेल्प किया ना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराया मेरे को, डाउट्स क्लियर करता है, मैं किससे पूछूंगा डाउट, मुझे डाउट है, यू नो ही हैव पेशेंस भाई, ही हैव एक्सपीरियंस, ही नाइस, ही हैज डेसिमल डिवाइडर, ये मुझे लेना है।
class, we are doing this, I miss this trend. Yeah, but yes, tomorrow I will announce who will attend. Again? Properly. Who will if attend? If attend, and Divyadi knows now, who will teach? She don't know attend. You will teach, yeah. Judges. That is. Listen now. यहाँ पर मतलब ये तो मेरे को लिटरली कंप्यूटर साइंस में जो कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं ना कंप्यूटर जो कॉलेज पढ़ाते हैं उस लेवल का कोर्स है यू नो वन बिग थिंग आई व्हेन यू विल स्टार्ट हां ड्रॉप ना ड्रॉप क्लास हां व्हाट आई विल राइट ब्लॉग ऑन दैट व्हाट आई अंडरस्टूड ओके ना अभी देख दिन करके देना ना मेरे को चाहिए ब्लॉग जो भी उसने किया एक दिन क्लास लेना ना व्हिच थिंग्स यू अंडरस्टूड यार ही टोल्ड मैन टू टेट्रिस व्हाई दिस नेम सो आई डोंट आई वाज द यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग आई नो नेम टेट्रिस वेरी वेल डोंट वरी अबाउट इट मतलब इसमें ना गेट कर लेते हैं हां निकल दो तीन चीज चलेगी साथ में ये सरल का पार्ट है रिकर्शन तुम्हारा देख रोज तो रोज तीन राउंड हो जाएगी एक तो ये एक ये एक ये 10 मिनट डिक्शनरी 10 मिनट डिक्शनरी 10 मिनट कुछ भी किस दिन ये कर लें किस दिन ये कर लें किस दिन ये कर लें किस दिन ये भैया आफ्टर कंप्लीटिंग रिकर्शन देन ओनली वी विल स्टार्ट ना भैया क्योंकि अब ये सिलेक्टिविटी में काफी इधर होता है फिर भी अदरवाइज आवर लॉजिक विल बी चलो ठीक है Recursion and then I will start Nandutech Python. And till that time your Nandutech is also will concept in वो तो इतनी कंसेप्ट मेरे क्लियर ही है बस ये होता है कि देखो जब मैंने एक चीज मेरी नोटिस की हुई है कि मैं धीरे धीरे पढ़ाना है मुझे जल्दी जल्दी निकलने बहुत जल्दी जल्दी करने का मतलब है सो यू हैव टू नो एवरीवन इज हैप्पी नाउ हां यार कसम भैया तो सडनली चेंज हो गया ऐसा बोल रहे थे हमारे भैया सब बोल रहे बहुत अच्छा पढ़ा है हैं किसने बोला वो तो इतना तो नहीं पढ़ा है पहले से अच्छे से शर्मा अशांत नहीं हूँ 10-10 दिन में ऐसे बैठा रहता था बस अब पहले ऐसा हो रहा है दिमाग ये पूरा माइंड एकदम मिल गया और मैं जब अच्छी बात है प्रश्न करने जाऊंगा तो मैं बहुत इस बार तो मैं और तो कर जाओ ना यार तुम्हें कौन मना कर रहा है इस बार मैं जब जाऊंगा यू नो आई एम माय किस्मत इफ आई एम फीलिंग सीट ना दैट्स इट विपश्यना ना वाला तो एक बार होता है तो कुछ और हो जाता है और नहीं होता है देखो और इस बार कोमल और वैद्य वाले तो हां वही हो गया अदरवाइज होता ही नहीं है होता है ऐसा भी फुल स्टेट ऐसा कहां कहां करती हो त्रिनमल हां एक बार त्रिनमल में कर ली और एक बार तो करके आ ही गई बहुत बढ़िया मतलब मेरे लिए तो लिटरली बता रहा हूँ अब मुझे इतनी जरूरत है यार मैं तो स्टेट ही हो गया यार मेरी ये सेकंड स्टेट है मेरे को बच्चों मेरे को भी मेरा खुद का चाइल्डहुड इतना सफरिंग वाला था इसलिए मुझे स्कूल खोलना है इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कारण होता है मेहनत करना ऑब्वियसली ये तो मेरा स्कूल है और बड़ा स्कूल खोलो ना अभी इतने लोग हेल्प हो रहे हैं ज्यादा 1000 लोग आए वहाँ इतना बड़ा खोलो भाई आगे बढ़ना तो है ना ये तो है नहीं कि रुक जाए और मुझे और लोग आ जाएंगे बट मेरा ये है कि मुझे वो सीखना है कैसे बच्चों के लिए बच्चों को एकदम प्यार से मैं मेरी खुद मैं फील कर रहा हूँ यार इतना कुछ ये इम्प्रूवमेंट चाहिए वो इम्प्रूवमेंट चाहिए मुझे पता है कहाँ कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ मैं थोड़ा सीख रहा हूँ यार मैं भी बहुत
पेशेंस मुझे सीखनी है बहुत, जैसे अंदरू में है ना पेशेंस, कमाल की पेशेंस अंदरू में। जो भी क्वालिटी है देखो, मेरा एक फंडा राइट पर आता है जिसमें जो गुण दिखे वो देख के अपने अंदर धारण कर दो और अब गुण देखो ही मत। नहीं वो कॉमेडी की बात कर रही हूं, आई एम टेलिंग अबाउट लाइक रिएक्ट, जैसे कि हम कभी करते हैं ऐसे करो ना, Because your grammatical mistakes, you all know now how to think in English. All the only difference is that your grammatical mistakes are still there. Grammatical. So if grammatical तुम काम कर रहे हो ना, तुम्हारी English बहुत अच्छी हो जाएगी और higher भी अच्छी जाएगी. If your grammar is good, then English is not good. You can understand by speaking, na? We know grammar, but we don't know how to मतलब कि we बोल रही हैं. And you means कोई बोलने का मतलब क्या कुछ बोलने का? वो मैंने एक कोर्स है लर्न रियल इंग्लिश करके, जो मैंने इसके दो वीडियो मैंने भेजे हुए, दो ऑडियोस मैंने इसको किए हैं, उसके अंदर क्या है, मैं रोज एक ऑडियो सुनना है और साथ में पीडीएफ पढ़ना है उसका। तो अभी तुम्हारे से पहले थॉट बॉक्स वाले क्लास है, थॉट बॉक्स वाले को आएंगे क्या हमें माइंड ट्री वाले से पढ़ने 8:30 9:30 आज नहीं है, अभी लेट हो गया था, आएंगे आपसे। क्या पढ़ेंगे आप? खाना वगैरह का खाओगे? बहुत रहे मेरे पास यार, मॉर्निंग भी तेरे को व्हाट यू टीच में यार, नहीं नहीं व्हाट यू टीच में रात को, डीएसएल को रात को ही इज नॉट इटिंग डीएसएल को नॉट इटिंग भैया, डेटा सबसे जरूरी है भैया, डाइजेस्टिव पावर से दिख रही है अकॉर्डिंग टू। अबे यही है सेम डेटा सबसे जरूरी है, पता क्या होता है एल्गोरिथम जो मैंने पहले उसकी सॉर्टिंग की एल्गोरिथम सही थी स्टार्टिंग में, और डेटा स्ट्रक्चर फ्लैट क्यूब ये ड्रिंक करते हैं ना, ये सब चीजें स्टार्ट रिकॉर्डिंग कोडिंग की नहीं होती भैया, शेयर विद मी वन वीडियो आई लाइक टू डिस्क्लोज इट। चलो ठीक है ओके भैया, ओके सी यू टुमारो, गुड नाइट, गुड नाइट। डाउट पूछ लिया करो कभी आकर, कोई दिक्कत भैया माई, हां तुम्हें बता दूं अभी फ्री है तू 2 मिनट और भैया बंद कर दो ना, हां देखो ये वाला सॉल्यूशन तो मैं पहले ही सॉल्यूशन कर दिया, ये रह गया ना दिस वन, हां डेफ ठीक है, एंड इफ एन इक्वल इक्वल टू 1 रिटर्न 1 एंड इफ एन दिस इज इक्वल इक्वल टू 0 सम एन माइनस 1 प्लस 3 क्या रिटर्न सम नंबर अगर डिजिट 2 है तो 3 ऐड करना है, लेकिन भैया इसमें क्या होगा जान के, लेकिन फर्स्ट वाले में सबसे पहले आप देखेंगे तो 1 + 3 = 4 आता है, फिर 4 + 4 तो 1 तो आ गया, हां समझ में आ गया, देखना 1 + 3 = 4 4 + 4 = 8 8 + 3 = 11 11 + 11 = 22 ठीक है, मेरे कोड में भी चेंजेस कर देंगे, तेरे कोड में भी चेंजेस रहेंगे उसको हम देखेंगे, पहले ये बात समझ लेना चाहिए ठीक है, समझ में आ गई। अब मैं इसको स्टैक पे समझा रहा हूं कैसे करना, कैसे हो रहा है एक्चुअली, अच्छा ठीक है, मैं मुझे ड्राइवर नहीं आ रहा है अभी बताओ, रिकर्शन का ड्राइवर कैसे करते हैं, कुछ नहीं है रिकर्शन का ड्राइवर कैसे करते हैं पूरा समझ में आया अच्छे से, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या होगा, एस ऑफ 4 कॉल होगा, क्या होगा सीरीज ऑफ 4, सीरीज ऑफ 4 कॉल होगा, मैं इसको एस 4 लिख रहा हूं ठीक है, एस 4 कॉल होगा
एस फॉर कोर का चेक करो क्या चार एक के इक्वल है नहीं नहीं है करिए एलिफ क्या चार दो से डिविजिबल है है स्मॉल आउट स्मॉल बना स्मॉल का निकल बना इसमें क्या है एसओ थ्री निकालो क्या निकालो थ्री करो ये एन माइनस वन है ना अब इसमें क्या है प्लस थ्री अब जब ये एसओ थ्री निकाला ना यही पर प्लस थ्री में गया ही नहीं वो क्योंकि इसकी मैंने पता ही नहीं है ना और इसको रख दिया स्टैक पर अभी इसको स्टैक पर रख दिया एस फोर को कहता एस फोर ब्राउन मैंने ब्राउन स्टैक कर दिया पता ही नहीं उसकी वैल्यू एस थ्री वैल्यू नहीं अभी एस थ्री वैल्यू निकालनी एस थ्री वैल्यू निकालने के लिए फिर इसको भूसा क्योंकि इसका तो कोड तो यही है अब भूसा बोला क्या तीन इक्वल है एक नहीं क्या तीन दो दो से डिविजिबल है नहीं है तो इसमें घुस गया क्या है कि एस ऑफ टू निकालो उसको टू से मल्टीप्लाई कर दो टू से मल्टीप्लाई किया नहीं है एस ऑफ टू निकालना एस ऑफ टू निकालने के लिए इसमें डाल दिया एस ऑफ टू निकालो एस ऑफ टू निकालने के लिए घुसा तो अब क्या टू इक्वल इक्वल है वन के अब इसमें घुस गया क्या टू इक्वल इक्वल है वन के क्या टू टू से डिविजिबल है हाँ है तो क्या करो स्मॉल आंसर बनाओ एस ऑफ वन प्लस प्लस तो यही नहीं है एस ऑफ वन एस ऑफ वन की वैल्यू क्या है एस ऑफ वन आया आते ही हो गया आते आते ही क्या वन है इक्वल वन के है रिटर्न हो गया क्या वैल्यू है इसकी वन आई वैल्यू वन प्लस थ्री फोर फोर इसकी है स्मॉल आंसर में अब स्मॉल आंसर का रिटर्न हुआ यहाँ स्मॉल आंसर रिटर्न हुआ स्मॉल आंसर रिटर्न किसमें हुआ एस ऑफ एस ऑफ टू एस ऑफ टू फोर हो गया तो एस ऑफ टू क्या हो गया फोर हो गया समझ आ गया यहाँ पे आ गया आपको क्योंकि इसकी वैल्यू रिटर्न करी ना इसकी वैल्यू रिटर्न करी इसकी स्टैक में ये वाला एस ऑफ टू वैल्यू फोर अब स्टैक से उतर रहे हैं मुझे एस ऑफ थ्री रिटर्न हो रहा है यहाँ पे 2 plus 2 into 2 4 8 so 3 मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरा ये स्टैक में स्टैक भरेगा स्टैक खाली होगा हाँ खाली क्यों होगा क्योंकि मेरा मेन क्या था 4 था हाँ. और 4 मेरा सबसे लास्ट में है तो वो एक एक करके अंदर जा रहा अंदर गया एंड में भी डर होगा ना ये तो बाहर निकला हुआ है ये रिटर्न तो बाहर निकला हुआ है ना एकदम हाँ तो भैया मेरा लॉजिक सुनो ना मैं अगर सही समझ रही हूँ तो सही मेरा सुनो भैया जैसे सबसे पहले 4 था 4 में है वो कंडीशन करके फिर एक कंडीशन में गया और रिटर्न किया तो उसमें फिर कॉल हो रहा तो उसमें थ्री हो गया फिर किसी कंडीशन में जाएगा फिर कॉल होगा फिर टू हुआ फिर किसी कंडीशन में जाएगा फिर कॉल होगा फिर वन होगा फिर वन आया तो वन रिटर्न करा लेकिन मेरा मैम क्या इनपुट था फोर था तो मुझे फिर फोर तक जाना है तो ये वन को वन में जो मेरा प्लस करना था वन में अगर थ्री प्लस करना था प्लस करके वो बाहर निकला अब जो इसकी वैल्यू थी वो इसमें आ जाएगी फिर इस वाले में जो इंटू करना था वो इंटू हो गया और वो बाहर आ जाएगा फिर इसकी वैल्यू इसमें आ जाएगी जो चीज नहीं निकली ना उसको उस टाइम पर डाल देंगे बाद में पहले आने ही आने पहले आने फोर कॉल कर रहा है थ्री कॉल कर रहा है टू को टू कॉल कर रहा है वन को वन की वैल्यू पता है वन आया टू के अंदर क्या था स्मॉल आंसर वन आ गया अब टू की वैल्यू आ गई है अब थ्री आया टू के अंदर टू आया थ्री के अंदर थ्री के अंदर जो मतलब ऐसे कैसा हो रहा है जो ये जो वन रिटर्न वैल्यू है ना ये माइनस ये प्लस वन का है रिटर्न ये रिटर्न मतलब ये पूरा का पूरा रिटर्न हुआ ये पूरा वैल्यू है टू वाले की फिर टू वाला पूरा वैल्यू है थ्री वाले की थ्री वाला पूरा वैल्यू फोर वाले की और फोर वाले के ऊपर कोई है ही नहीं तो फोर वाला ऐसे इसका एग्जांपल को मैं कि मान लो ये इसको मैं इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि मान लो मैंने ये बनाया क्या बनाया एक स्क्वायर बनाया ठीक है अभी चार स्क्वायर बनाया एक और स्क्वायर बन गया क्या अब ऐसे चार बना दिए तो एक और स्क्वायर बन गया अभी भी एक स्क्वायर है वैसे चार बना दिए एक और स्क्वायर अभी भी स्क्वायर है वैसे चार बना दिए एक और स्क्वायर अभी भी स्क्वायर है वैसे चार बना दिए अभी भी स्क्वायर है चार बना दिए तो अब इसमें गया तो ये चार 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 एंड में इस चार की लेंथ बदल रखी हुई इस चार लेंथ बदल रखी है वैसे प्रोग्राम तो ये इसके अंदर है ये इसके अंदर है ये इसके अंदर है ये इसके अंदर है ऐसे ऐसे करते करके जो मेन वैल्यू है वो तक आ जाएगा हां होता है इसको होता है कभी फ्रैक्टल फ्रैक्टल भी इसको बोलते हैं हां ठीक है क्या बोलते हैं फ्रैक्टल फ्रैक्टल का मतलब होता है कि तुम जब किसी चीज को जूम करो ना सेम चीज आ जाएगी भैया एक लॉजिकल क्वेश्चन जिसमें बहुत ज्यादा चलो फिर मैं बोल देता हूं बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैंने सेकंड बैच से पूछा था प्रियंका वाले बैच से प्रियंका ने बड़ी मेहनत करी थी करती भाई बेचारी बट बहुत पास आ गई थी बहुत पास मेहनत बहुत करती थी प्रियंका परेशान रहती करते रहती थी मेहनत करती बोलो भैया बता रहा हूँ ये तो कर रहा हूँ तो तेरे पास देख ये लेंथ जो है ना ये टू है ये लेंथ वन है तो मतलब ऐसे दो रखने पर ये वन लेंथ हो जाती है ये पूरा बराबर हो जाता है ना ये आधा इसकी जो जो
लेंथ है और इसकी लेंथ दुगनी है इससे, ठीक है। तो अब तेरे पास ये मान ले दो का क्या है, दो का वो है ब्रेक है, तेरे को इसको इस पे ये लाल वाले जा रहे हैं तो कैसे जा सकती है, तो ऐसे जा सकती है, अरे कैसे जा सकती है। अब मान ले तीन है, तीन पे कैसे जा सकती है, तीन पे तो लाल वाले जाने तो कैसे जा सकती है, कैसे कैसे लगा देगी इसको, और तीन वैसे लगा सकती है, और बस यही है, तीन हो गए, तीन मेरे हैं। अब मान ले चार हैं तेरे पास, चार में लगा सकती है, चार में लगा सकती है, ये ऐसे नहीं नहीं बहुत सारे तरीके होते हैं, तीन तरीके होते, एक ही हो गया और एक सीधा, एक ऐसे हो गया, एक सारे सीधे हो गए, एक या एक दोनों ऐसे हो गए, और क्या, एक उधर से सारे सीधे, ये सीधा हो गया, टोटल कितने तरीके हो गए, चार हो गए, चार दिखा और ये बस दो सॉरी भैया पता हमारे बंद कर दिया फिर बंद रूम भैया रूम मीटिंग इज बंद कोई बात नहीं समझ में आ गया। अब पांच में देख पांच में क्या हो रहा है, मान ले ये भी ग्रीन है तो ये कोई बात रेड है, ये ऐसे और ये पांच है, मान ले ये रेड है, तो अब इसको सारे पैसे लगा दिया, दो ऐसे लगाए, ये दो ऐसे लगाए, कितने नीचे वाले हैं तो बताना उस एन के लिए कितना आंसर होगा, जैसे अगर एन तीन एन एक है तो आंसर एक है, एन दो है तो आंसर दो है, एन तीन है तो आंसर कितना है तीन है, एन चार है तो आंसर कितना है चार निकल जाएगा, एक तो ये एक दो अब उधर वाले को चेंज तीन चार चार नहीं इधर को उलट पलट सकते हो क्या, तब तो आठ हुआ फिर कैसे कैसे मतलब एक बार ये चेंजेस करके इधर इधर कर रहे हो फिर इसको इधर लाके ऐसे फिर इसको इधर इधर कर रहे हो, नहीं कलर सारे सेम है ना, कलर अलग अलग नहीं है, कलर सारे सेम है, सारे कलर सेम है, सारे कलर सेम है, एक बार देखता हूँ एक ठीक है दो और ये तीन चार ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं है चार ही है, नहीं पांच हो गए, एक और तो इधर वाले को चेंज कर सकते हैं ऐसे, हाँ ये वाले लेकिन वो पहले वाले पोजीशन पे आता है, नहीं नहीं आया देख लेकिन अगर कलर वाला होता है, नहीं नहीं एक तो ये है, हाँ ऐसे एक ये है एक ये है एक ये है एक दो तीन अगला उस टाइम पे मेरे लिए तीन हाँ चार समझे नहीं ना फिर से अब करते हैं एक सारे इधर एक दो इधर दो दो इधर दो ये तीन तीन और ये वाला चार पांच पांच हो गया यार पांच है ना पांच है दिखे पांच तो ये पांच तरीके आएंगे इसके लिए तीन चार चार के लिए अब तो पांच के लिए वैल्यू तो बहुत सारे तरीके आ जाएंगे बहुत सारे तरीके आ जाएंगे पांच के लिए वो बीच में पड़ा है ना उधर से अगर हां वो इधर घूम करेगा तो अब तेरे को निकालना है n के लिए n माइनस और ये कोड से बहुत सारे तरीके जाएगा तो n के लिए मतलब तेरे को f ऑफ n मान ले निकालना है कि f ऑफ n क्या है ये इन टर्म्स ऑफ n माइनस 1 n माइनस 2 क्या बता होगी क्या है तो सीरीज सीरीज यार अच्छी प्रॉब्लम है बताओ नहीं देखो सोचते रहो देख अगर तू तो दिन सोच के आंसर निकालेगी बेटर है बजाएगी तो एकदम आंसर निकाल पता कर नहीं मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया 5 की 5 की बस तो आंसर तू तू मुझे सिंपल सा कि सीरीज था सीरीज कैसी हो रही है मतलब देख पहले टर्म आ गई अच्छा सीरीज बताओ एक के लिए आ रहा है दो के लिए दो आ रहा है तीन के लिए तीन आ रहा है चार के लिए पांच आ रहा है छह के लिए कितना आ रहा है सात के लिए कितना आ रहा है एक दो तीन दो पांच सही है यार लिखा है बाया पड़ती है मैं
तुम्हारे में बड़ी है कभी हे भगवान क्यों अरे उसने अंदर दे दिया इसने दो मिनट सुन लिया अंदर दे दिया इसने मैं हैरान हो जाऊंगा सही बता रहा हूँ क्या हुआ भैया क्लास भी नहीं है ये लड़की और यहाँ पे अगर आंसर भी क्वेश्चन भी पढ़ लिया और आंसर दे दिया इसने आंसर दे डिफरेंट वाला अरे तू मत मान तू अपना सॉल्व कर ठीक है तू मत मान मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्या मुझे वही याद हाँ मतलब क्या अगर सुन ली ना तो सॉल्यूशन समझ में नहीं आता मत 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 मैंने तो अपना सॉल्व करा दिया ये फाइल है जरूरी नहीं तो बोला समझ में नहीं आया तो सुन क्या रहा क्वेश्चन तो बोले थे ना तेरी अब अभी मैं अब इसको बता रही थी ना तब तो बड़ी थी ना मैं ऐसे कर रहे थे एक एक कप एक कि दो के लिए दो वो जस्ट बोली कि क्या प्रोबेबिलिटी वाला होगा ठीक है ना प्रोबेबिलिटी वाला कर चुके हैं इसीलिए नहीं मुझे कितने अटे करने के बारे में मतलब आप बताना मैं कहाँ पे गलत हूँ तो मैं सुधार करूँगी जैसे कि n हमारा 5 है ठीक है भैया स्टॉप द क्लास